बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम के साथ आप लोग सब खैर और आफियत के साथ होंगे, और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार टेस्टी सा बन रहा है, एक ज़बरदस्त सा मीठा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। मैंगो का सीज़न है तो बहुत मज़ेदार था। हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट, तो इसके बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी है। ना इसमें कोई बेकिंग है ना ही कुकिंग है, बहुत ही झटपट और जल्दी से रेडी होता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 kg के करीब मैंने यहाँ ले लिए हैं मैंगो, और मैंगो को हमने अच्छे से धो लेना है। उसके बाद मैंने हाफ जो आम थे उनका मैंने बहुत अच्छा से चॉप किया है, और हाफ को मैंने किया है रफली चॉप। अच्छा जी, जो हमने हाफ रफली चॉप किए थे उसको हम एक ब्लेंडर जग में जो ऐड करेंगे, और जी इसकी बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 4 tablespoons इसमें शुगर ऐड कर दी है, और शुगर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारी मैंगो प्यूरी रेडी हो गई है। ये देखें जी, बहुत यमी सी प्यूरी हमारी रेडी होगी। इसके बाद जो है हमने ले लेनी है 2 packets के करीब क्रीम ले लेनी है, उसको हमने एक बॉल में ऐड कर देना है। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से ये बहुत ही यमी सा जो है ये डिज़र्ट रेडी होता है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है, और मुझे कमेंट करके फीडबैक भी देना है। यहाँ पे मैंने 2 packets के करीब ली है क्रीम, और इसमें मैंने 5 tablespoons ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क। तो बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, आप लोगों ने एक बार ज़रूर उसको ट्राई करना है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर हिट करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है कंडेंस मिल्क, उसके बाद जो हमने मैंगो प्यूरी रेडी की थी वो भी मैंने यहाँ ऐड कर दी है। इन तमाम चीज़ों को हमने ऐड करने के बाद अच्छे से कर लेना है मिक्स। और बहुत यमी सा टेस्टी सा ये हमारा डिज़र्ट रेडी हो रहा है, और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। यहाँ मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, लेकिन बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद जी अब करेंगे इसको हम सैम्बल, और इसको हम करेंगे डिश में अच्छे से सर्व। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी हमने डिश ली है, और यहाँ मैंने लिए है मैरी बिस्किट, और ये और 1 cup के करीब मैंने ले लिया है दूध। अब हमने तमाम बिस्किट्स को इसी तरह से जो है दूध में डिप करते जाना है, और ट्रे में इसको ऐसे अच्छे से सेट करते जाना। तो बहुत ही यमी सा ये मज़ेदार सा मीठा रेडी होता है। मैंगो का सीज़न है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा आपको ये मज़ेदार सा डिज़र्ट कैसा लगा है। और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और मुझे जो है कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और आप मेरे चैनल पे किस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद करते हैं। देखिए जी, हम ये ज़बरदस्त सी डिज़र्ट बस रेडी होने वाला है। तमाम बिस्किट्स को हमने ऐसे ही डिप करके जो है इस पर सेट कर लिया है। उसके बाद जो हमने ये बनाया था मैंगो प्यूरी और कंडेंस मिल्क और क्रीम का जो हमने एक मिक्सर रेडी किया था, इसको हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से इसकी लेयर्स हमने लगानी है, और लेयर लगाने के बाद मैंने जो मैंगो के चॉप करके रखा था वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो बहुत यमी और मज़ेदार सा ये मीठा रेडी होता है, और इसको जब आप बिल्कुल ठंडा करके खाएँगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और जी मैंने 1 layer इस पर लगा दिया, अब हम इसमें इसकी 2nd layer लगाएंगे। तो ये जी आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर देना है। ये देखिए, मैंने एक और बिस्किट की लेयर लगाई है, और उसके बाद मैंने जो बाकी हमारे पास जो क्रीम और मैंगो का हमारे पास जो बैटर था वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो मैंगो प्यूरी थी उसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, और ये मैंने इसको इस तरह से इस पर हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ये देखें, बहुत मज़ेदार टेस्टी सा जो यमी सा हमारा ये डिज़र्ट रेडी हो गया है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये यमी सा मज़ेदार सा डिज़र्ट कैसा लगा है, और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं,
तो बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट देखे रेडी हो गया है। बस इसे आप रखें फ्रीज़र में और अच्छा से चिल करने के बाद इसे सर्व करें, और अपनी तमाम घर में जो भी दावत है किस पे आप मैंगो का सीज़न है तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल पे आप किस तरह की वीडियोस देखने सकते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को। और ये देखिए इसको मैं आपको कट करके भी जो है दिखा देती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये देखें ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा मैंगो डिलाइट रेडी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।